शिक्षक बहाली प्रक्रिया में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने को लेकर शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। पहले बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को चेतावनी भरा जवाब दिया, तो अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बीपीएससी को कड़ी नसीहत दी है। साथ ही बीपीएससी से कई सवाल भी पूछे। इतना ही नहीं, आयोग की स्वायत्तता पर भी सवाल खड़े किए। के पाठक ने आयोग से कहा कि स्वायत्तता के नाम पर आप अराजकता नहीं कर सकते। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी के पत्र को वापस करते हुए बचकानी हरकत से बाज आने को कहा है। शिक्षा विभाग की तरफ से पत्र जारी कर कहा गया है, आयोग के तरफ से जो पत्र लिखा गया उसके संदर्भ में ये कहना है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासित कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 में विहित प्रावधानों के विपरीत आयोग की तरफ से की जा रही कार्रवाई से ध्यान भटकाव हेतु अनर्गल एवं अवांछित तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जो ना आवश्यक है और ना ही उचित। आयोग अपनी कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र है और इसकी सूचना शिक्षा विभाग की तरफ से पहले ही दी जा चुकी है। आयोग की आंतरिक प्रक्रिया का निर्वहन वो स्वयं करे, इसमें विभाग को कुछ भी नहीं कहना। फिर भी आपकी तरफ से जो विभाग की तरफ से दबाव बनाने के लिए तथ्य दिया गया है वो अनुचित एवं अस्वीकार्य है। आयोग अपने दायित्वों का निर्वहन करने हेतु स्वतंत्र है, लेकिन आयोग नियुक्ति नियमावली में विहित प्रावधानों के विपरीत ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे भविष्य में अनावश्यक न्यायालय वादों का कारण बने। शिक्षा विभाग ने आगे कहा, विभाग आयोग का ध्यान बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासित कार्रवाई और सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 7 की ओर आकृष्ट किया जाता है। उसका अनुपालन आवश्यक है ताकि नियुक्ति प्रक्रिया के ससमय एवं सफल पूर्वीकरण में कोई बाधा ना उत्पन्न हो। इसके बावजूद अनर्गल शब्दों का प्रयोग करके कुछ अनावश्यक पत्राचार में ऊर्जा व्यय करना अनुचित है। इसके आगे पत्र में कहा गया है, अनर्गल एवं अनुचित शब्दावलियों का प्रयोग करते हुए अनावश्यक पत्राचार करने के बजाय नियमावली में विहित प्रावधानों के आलोक में ससमय कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि नियुक्ति प्रक्रिया को न्यायालय वादों के बोझ से बचाया जा सके। शिक्षा विभाग ने कहा कि आपने ये भी लिखा है कि बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षा विभाग या फिर राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन नहीं है। शिक्षा विभाग आपको ये स्पष्ट करना चाहता है कि ऑटो मनी का अर्थ अनारची नहीं है। शिक्षा विभाग ने यह भी कहा कि जहां तक शिक्षकों की भर्ती का प्रश्न है तो आयोग को जब भी स्थापित परंपराओं से हटाकर कोई कार्य करना है तो पहले एक औपचारिक बैठक आयोग के स्तर पर की जानी चाहिए थी। इसमें शिक्षा विभाग, विधि विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग से भी चर्चा की जानी चाहिए। आयोग की स्वायत्तता का अर्थ ये नहीं है कि आयोग कोई भी मूर्खतापूर्ण और विवेकहीन परंपरा स्थापित करे जिससे शिक्षक नियुक्ति को लेकर बाद में सरकार के सामने वैधानिक अड़चन आए। आयोग ये भी स्पष्ट करे कि लिखित परीक्षा का परिणाम निकाले बगैर प्रमाण पत्रों का सत्यापन पहले किन किन मामलों में किया गया है। विभाग ने कहा कि आयोग अपनी स्वायत्तता के नाम पर विवेकहीन एवं मूर्खतापूर्ण निर्णय नहीं ले सकता और स्थानीय परंपराओं से इतर नहीं जा सकता। शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में प्रशासी विभाग शिक्षा विभाग है और संबंधित नियमावली में कई जगह लिखा गया है कि परीक्षा के विभिन्न पहलुओं पर प्रशासी विभाग से चर्चा कर ही कार्य किया जाएगा। अंत में ये उल्लेख करना है कि जब मुख्य सचिव बिहार की तरफ से निर्गत पत्रांक 258C दिनांक 6/9/23 द्वारा ये स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट की गई थी तो पुनः आपका ये पत्र भेजना अनावश्यक और बचकानी हरकत है। अतः इस पत्र को मूल रूप में आपको लौटाया जाता है। बिहार में शिक्षा विभाग और राजभवन में चली तकरार को लेकर राजभवन की नाराजगी कम नहीं हुई थी। शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग अब आमने सामने भी नजर आ रहा है। इस मामले की शुरुआत तब हुई थी जब माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने बीपीएससी के सचिव को पत्र भेजकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों, कर्मियों और शिक्षकों को शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सत्यापन कार्य से अलग करने का आग्रह किया था। इस पत्र के जरिए कहा गया था कि ये प्रतिनियुक्त किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं है, ना ही शिक्षा हित में है। जिसके बाद आयोग के सचिव ने शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र लिखकर संविधान के दायरे में रहने की हिदायत दी थी। इसके बाद अब इस पत्र के जवाब में पाठक की तरफ से एक पत्र और भी आयोग को लिखा गया है और कहा गया है कि इस विवाद को अधिक बढ़ावा नहीं दें वरना मामला कोर्ट तक पहुंच सकता है। पटना से शशि भूषण की रिपोर्ट, बिहार तक।